आज लग रहा है मैं ही आई हूँ ऑफिस में, मेरी मैनेजर आने वाली है। बट यूजुअली लोग शायद फ्राइडे को नहीं आते। हमारा ऐसा कोई फिक्स नहीं है, हम आपस में डिसाइड करते हैं कब उनको आना है। वी प्रेफर, मतलब मेरी मैनेजर और मैं प्रेफर करते कि हम वर्क फ्रॉम ऑफिस सेम डे हो, सो दैट इट्स ईजियर टू कम्युनिकेट थिंग्स। खैर शुरू करते हैं आज का दिन। आज है फ्राइडे और फिर है वीकेंड। इवन दो आज सॉन्ग रिलीज है, बहुत सारा काम हो जाता है उस दिन, लेकिन मैंने सब रात को ख़त्म कर लिया। जिम डन। अभी मैं जिम करते हुए सुन रहा था यार झूठे, फिर सुना खराब, फिर सुना विंटर ऑन वाली है, और मतलब लूप पे चल रहा था वो। और उसके बाद मेरा कूल डाउन सॉन्ग होता है जब मैं गाड़ी में आया था, तो मैं सुनता हूँ इस साल मुझे लग रहा है मैं और 19-20 गाने निकालूंगा, तो पूरी जिम की प्लेलिस्ट रेडी हो जाएगी एटलीस्ट मेरी। मुझे पता नहीं बाकी लोग सुनते हैं मेरे गाने की नहीं जिम में, बट मैं तो सुन रहा हूँ, मेरे को मज़ा भी आ रहा है। तो बस यही चल रहा है। एनीवे अब चलते हैं घर, तो फटाफट प्रोटीन शेक पी के निकलते हैं, फिर कीचू को पिक करने का टाइम। से हाय एवरीवन, लुक हियर, yeah, you wanna sit here for a minute? Yeah. The light. Yes, it's light. Kichu, do you want to listen to Papa's new song? Yeah. Mangoge na? Zikr hai? Yeah. Yeah, but that's not released yet. No, zikr hai. No, please, let's listen to Mangoge na, okay? भाई साहब गाने सुनते सुनते सो चुके हैं। दिव्या को आए हुए हो चुका है आधा एक घंटा। मुझे लगा था वो जिम जाएगी आज, बट वो आज जा नहीं पाई, उनकी कुछ मीटिंग्स थी अपने कोलीग्स के साथ। घर आती एक्चुअली वो मेरे लिए कुछ मैरिनेट करके रख के गई थी बनाने के लिए, एंड मेरे को सुबह से टाइम नहीं मिला, तो अभी उसने रखा है इसको फ्राई करने के लिए। फ्राई नहीं मतलब स्लो कुक हो रहा है। गोगी सो गया है। गोगी पता है सुबह आया था मेरे को उठाने, ऐसे उठा रहा था पापा पापा, गायब हो गया सुबह एकदम से, आवाज आ रही है ऊपर नीचे। आई एम सेइंग दिव्या को कि तू गा दे गाने को, कवर डाल दे एक। मामा दादी इज माय मामा, इट्स योर मामा, यस इट्स हर मामा एज वेल। तातो दादी एंड दादी का गुविंदा, I love you, Bob. Hello, जी, good morning. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया हमको गाने पे एकदम। सुबह उठा मैं और मैंने देखा अरे इंस्टाग्राम पे मेरे 5-6 हज़ार फॉलोअर बढ़ गए हैं। अभी फिलहाल सुबह उठते ही हम लोग एक्चुअली उठे तो 7 बजे के वादे पे मेरे ख्याल है ना। अभी हमने एक नेचुरल अलार्म बनाई है ना, ये अभी उठ जाती है। हाँ तो फिलहाल कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट। जब मैं मेरा यूथ था तो मेरी मम्मी मुझे उठाती थी आके, माम दिव्या उठ जा बेटे उठ जा टाइम हो गया। और वीकेंड्स पे कीचू मुझे उठाते, मामा इट्स सनी आउटसाइड, गेट अप गेट अप। अच्छा बातें वही हो रही है, सनी आउटसाइड इट्स सनी आउटसाइड, गेट अप इट्स टाइम टू गेट अप इट्स सनी। एनीवे चाय बन चुकी है, दिव्या ने बनाई है आज चाय, बहुत बढ़िया। हाँ जी व्हाट्स हैपनिंग? व्हाई वर यू कॉलिंग पापा? बिकॉज़ आई डोंट नो, ब्रेकफास्ट वाज रेडी। यस कम वेरी एक्साइटेड, बस चलो लेट्स गो टू आर्यन हाउस। तो हम कर रहे हैं समय निकलने की तैयारी, हम जा रहे हैं आर्यन के यहाँ पे। बेसिकली कीचू आर्यन के यहाँ पे जाने वाला है, उसके सारे फ्रेंड्स भी वेट कर रहे हैं बहुत बेसब्री से, और उसके लिए तैयारियाँ हो रही हैं पूरी घर पे। सब चीज़ें आ चुकी हैं कीचू के लिए, कीचू के एंटरटेनमेंट के लिए। मैं और दिव्या जाने वाले हैं बर्मिंघम ब्रिंडली प्लेस,
थोड़ा बहुत कुछ शॉपिंग करने के लिए, थोड़ा घूमने, हो सकता है पिक्चर विक्चर देख ले। चलो जी, तो हम लोग पहुंच चुके हैं कीचू के मामू के यहाँ पे, और ये कीचू के फ्रेंड्स ये हैं स्वरा, और आप बॉम्बे से हो ना, मुंबई से, महाराष्ट्र, हमारे बन रहे भी मुंबई स्टाइल में भेल। कीचू का इंटरव्यू चल रहा है यहाँ पे, थोड़ा सबर है, कभी मिलेगा। यहाँ पे भी हमने खाया है आर्यन का बनाया हुआ बहुत ही जबरदस्त पास्ता, इतना अच्छा था कि आप देख सकते हो कि एक मिनट में चट हो चुका है मैंने और दिव्या ने मिलके। कीचू डब्बे खुलवा रहा है अब, हाँ, और इस डब्बे में निकली दाल है। मैं मेरे मराठी में समझता हूँ, मैं बात फिर कर सकता हूँ। थैंक यू दीदी। कीचू, आर्यन और स्वरा जा रहे हैं अभी झूले झूलने के लिए, स्विंग्स पे झुलाने के लिए। हाँ, मैं और दिव्या जाएंगे अपने काम पे। ओके, नो गोइंग आउट विदाउट हैट। ओके, what are you doing? I'm going to go to the park. Whoa! Wee! Parking ढूंढ ही जा रही है। 6 मिनट दूर है parking से। Thank you so much. हमें इतना मजा आ रहा है, हम रील्स देख रहे हैं आप लोगों की, और हम देख रहे हैं इतने सारे टैग्स, इतने सारे लोग शेयर कर रहे हैं गाने को। यस, हमें पता था कि बहुत ज़्यादा रिलेटेबल सॉन्ग है, और मैं तो जब पहली बार सुना था, जब अर्जुन ने कंपोज करके सुनाया, आई वाज लाइक भाई बता रही, आपने वो यूट्यूब का हमारा फुल वर्जन देखा है नहीं, उसमें बोला है वी आर गोइंग टू गो प्लेसेस विद दिस सॉन्ग, प्रेडिक्शन कर दी थी ना उन्होंने पहले ही। Did you spin around? Was it exciting? शॉपिंग के लिए जो चीज़ पसंद आई उसमें एक ही पीस लेफ्ट था, और उसमें काला निशान लगा हुआ था, हमने कोशिश की मिटाने की, मिटाई नहीं। फाइनली हम किसी और शॉप से लेकर How precise, huh? Kiss me,